दोस्तों मेरा नाम उमेश कुमार शुक्ला, आई एम डूइंग माई सेकेंड प्रॉफ फ्रॉम बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। आई एम गोइंग टू टीच हियर यू पेरिफेरल नर्व डैमेज यानी कि नर्व इंजरी के बारे में पढ़ाने वाले हैं, और नर्व कैसे रीजनरेट होता है, कैसे डी डिफ्रेंसेशन होता है, और बैलेरियन डीजनरेशन क्या है। इस बार का प्रॉफ का क्वेश्चन था, तो बैलेरियन डीजनरेशन क्या होता है इसके बारे में भी आप सबको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें से आपको यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे, और साथ में पीजी के, तो पीजी तो हर एक टॉपिक पीजी के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है पीजी के प्रॉस्पेक्ट से सब कुछ पढ़ना है। इससे पहले आप चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं। पेरिफेरल नर्व डैमेज, देखिए जो डैमेज होता है वो तीन प्रकार से हो सकता है। जो पेरिफेरल नर्व डैमेज है वो तीन प्रकार से होता है। जो पहले नंबर पे है, द लीस्ट सेवियर फॉर्म ऑफ इंजरी इज कॉल्ड न्यूरोप्रेक्सिया। जो सबसे कम सीवियर फॉर्म है इंजरी का वो है न्यूरोप्रेक्सिया। इसमें क्या होता है, कंप्रेस्ड आर ब्लड सप्लाई टेम्पररी डिस्टर्ब, जो नर्व है उसका जो वो कंप्रेस्ड हो गया, या उसकी ब्लड सप्लाई क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, तो क्या होगा, वो न्यूरोप्रेक्सिया होगा। और न्यूरोप्रेक्सिया बहुत ही लीस्ट सेवियर फॉर्म है, इसलिए रिकवरी हो जाएगी कुछ घंटों में, या कुछ केसेस में मंथ भी लग सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली कुछ घंटों में रिकवर हो जाता है तुम्हारा न्यूरोप्रेक्सिया में। वहीं पर तुम्हारा दूसरा नंबर है एग्जान डैमेज। अगर एग्जान आपका डैमेज हो गया, अगर एग्जान डैमेज हो गया है तो उसे कहते हैं एग्जेनोटिमेसिस। एग्जेनोटिमेसिस ये मोर सीवियर है देन इसके यानी कि सबसे ये है, ठीक है, यानी कि जो ये वाला एग्जान डैमेज है ये इससे ज़्यादा सीवियर है। इसमें हम पढ़ेंगे बैलेरियन डीजनरेशन। बैलेरियन डीजनरेशन आपका शार्ट नोट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिएगा, या पेरिफेरल नर्व डैमेज पे ही शार्ट नोट पूछ सकता है, ठीक है। तो और जो तीसरा टाइप है वो मोस्ट सीवियर फॉर्म, यानी कि सबसे ज़्यादा सीवियरिटी किसकी है, इस वाले की, ठीक है। मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ नर्व इंजरी यानी कि न्यूरोटिमेसिस हो गया, यानी कि पूरा न्यूरॉन ही डैमेज हो गया, न्यूरोटिमेसिस हो गया। इसमें क्या होता है, एग्जान प्लस सराउंडिंग एंड इनकैप्सुलेटिंग कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हो गया, यानी कि एग्जान भी डैमेज हो रहा है, उसका सराउंडिंग भी ख़राब हो जा रहा है, और साथ में इनकैप्सुलेटेड जो कैप्सूल है वो भी, कनेक्टिव टिश्यू का जो कैप्सूल है वो भी डैमेज हो जा रहा है। लीस्ट चांस ऑफ रिकवरी होता है, यानी कि इसमें रिकवरी होना ज़्यादा ही मुश्किल होता है, तुम्हारा न्यूरोटिमोसिस में रिकवरी होना मुश्किल होता है, लीस्ट चांस ऑफ रिकवरी होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेरियन डीजनरेशन के बारे में। तो व्हाट इज़ बैलेरियन डीजनरेशन और उसके एप्लीकेशन क्या है, इसमें क्या चीज़ें हैं, उसको पूरे चीज़ को, यानी कि जितने भी चीज़ें हैं बैलेरियन डीजनरेशन में उसको समझना है डिटेल में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले देखते हैं एग्जान्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम सेल बॉडी। आप लोग देखे होंगे एग्जान जो होता है, ये डायग्राम में देखिए, ये एग्जान है और ये क्या है, सेल बॉडी है। अगर एग्जान सेल बॉडी से सेपरेट हो जाए फिजिकली, जैसे यहाँ पर हो गया डिस्टल में, देखिए ये वाला पार्ट होगा प्रॉक्सिमल, और पीछे जाओगे तो क्या होगा, डिस्टल। अगर डिस्टली एग्जान जो होता है डैमेज हो जाए तब क्या हो, उसे क्या कहते हैं, बैलेरियन डीजनरेशन कहते हैं। इसमें कई सारे सिम्टम आते हैं, उसको देख लेते हैं। देखो एग्जान्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम सेल बॉडीज क्या कहलाएगा, बैलेरियन डीजनरेशन कहलाएगा। डीजनरेटिव चेंजेस दैट अकर इन द डिस्टल सेगमेंट बियॉन्ड द इंजरी, जो इंजरी यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर इंजरी, से मान लीजिए ये साइट है, देखिए साइट ऑफ इंजरी है, यहाँ पर इंजरी हुई थी, ठीक है, यहाँ पर क्या हुई थी, इंजरी हुई थी। अब इसके ऊपर वाला प्रॉक्सिमल हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, डिस्टल पार्ट हो गया। जो डिस्टल पार्ट होगा उसमें कह रहा है कि क्या चेंजेस होंगे, और प्रॉक्सिमल में क्या चेंजेस होंगे वही हमको देखना है सही से। तो हम पहले देखते हैं कि डिस्टल में इस तरफ कौन से चेंजेस हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए स्वान सेल टूट गई है, ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो स्वान सेल में घुस गए हैं, इन मैक्रोफेज में घुस गए हैं, ठीक है। और जो स्वान सेल थी जो क्या बनाती थी, माइलिन सीथ, वो डीमाइलिनेटिंग हो गई है, यानी कि वो माइलिन सीथ नहीं बनाई है, और स्वान सेल क्या हो गया, टूट गया है। तो यही यहाँ देखना है, डिस्टल में अगर हम देखें, डिस्टल पार्ट में जहाँ पर इंजरी हुई उसके डिस्टल में देखें क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या होता है, स्वान सेल बिगिन टू फ्रेगमेंट द माइलिन सीथ एंड स्केवेंज द माइलिन डेब्रिस, यानी कि जो स्वान सेल होगी वो माइलिन सीथ को काटना शुरू कर देगी और स्केवेंज कर लेगी माइलिन डेब्रिस को।
अगला पॉइंट क्या है, स्वान सेल बिकम्स डीमाइलिनेटिंग, जो स्वान सेल होगा वो डीमाइलिनेटिंग हो जाएगा। इनफिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इनटू द डिस्टल सेगमेंट, डिस्टल सेगमेंट में ल्यूकोसाइट का इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा, यानी कि मैक्रोफेज के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम प्रॉक्सिमल या जो प्रॉक्सिमल ऊपर वाला है, प्रॉक्सिमल में देखें क्या चेंजेज होगा, तो देखो यहाँ पर न्यूक्लियस बीच में था लेकिन यहाँ पर एक किनारे पर आ गया, ये हो जाता क्रोमेटोलाइसिस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डैमेज हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डैमेज हो गया। और ये मोस्टली किस बेसिस पे होता है, एमआरएनए के जीन डिफेक्ट से होता है। ठीक है, तो ये जीन लेवल पे होता है, क्रोमेटोलाइसिस हो गया, क्रोमेटोलाइसिस हो जाता है, साथ में डीजेनरेशन ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर। तो आप हेडिंग दे के ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रॉक्सिमल में कैंसर क्या डैमेज हो रहा है और डिस्टल में क्या डैमेज होता है। तो प्रॉक्सिमल में तुम्हारा एक दो डैमेज हुआ, डिजनेशन ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर, फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर डैमेज हो गया, क्रोमेटोलाइसिस हो गया यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डैमेज हो गया, न्यूक्लियस एक तरफ शिफ्ट हो गया। और तुम्हारा साइट ऑफ इंजरी के डिस्टल में क्या हो गया, इनफिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट हो गई है, इनफिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट हो गई है, स्वान सेल फ्रेगमेंट टूट गए हैं, माइलिन सही टूट गई है, उसकी डेब्रिस बन गई है, जो स्वान सेल क्या कर ली है, स्केवेंज कर ली है, और साथ में जो स्वान सेल है वो डीमाइलिनेटिंग हो गई है, और इनफिल्ट्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट हो गया है। ठीक है, ये तुम्हारा डिस्टल में हुआ, प्रॉक्सिमल में आप क्या हुआ, क्रोमेटोलाइसिस, डीजेनरेशन ऑफ फर्स्ट नोड ऑफ रेनवियर, और क्या था, न्यूक्लियस एक साइड शिफ्ट हो गया, ये तुम्हारा चेंजेस हुआ। अब और इसका डिटेल में जाते हैं, तो देखिए जो नर्व डीजनरेशन होता है, जो नर्व का डीजनरेशन होता है वो एसोसिएटेड होता है रिड्यूस या अब्सेंट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज से, यानी कि रिड्यू या तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ही ना हो या अब्सेंट हो, तब क्या होगा, डीजनरेशन होगा, तब क्या होगा, डीजनरेशन होगा। एंड अप रेगुलेशन इंक्रीज नंबर एंड एफिनिटी अप ऑफ रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी कि ये दो चीज़ों पे निर्भर करता है आपका नर्व डीजनरेशन। नर्व डीजनरेशन इज एसोसिएटेड विथ टू थिंग्स, कौन सी, रिड्यूस आर अब्सेंट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, और दूसरा नंबर क्या है आपका, अप रेगुलेशन। अप रेगुलेशन मतलब क्या हुआ, इंक्रीज नंबर एंड एफिनिटी ऑफ रिसेप्टर ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एगोनिस्ट का यूज करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एगोनिस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर अब्सेंट है या रिड्यूस्ड है, अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, डीजनरेशन हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर एगोनिस्ट का यूज कर लिए, तो रिस्पॉन्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और डिनर्वेशन, इसे कहते हैं डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी, इसे क्या कहते हैं, डिनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी। अब हम नर्व रीजनरेशन देखते हैं, नर्व रीजनरेशन देखते हैं। मान लीजिए कोई नर्व डैमेज हो गया, नर्व इंजरी हो गया, जैसे नर्व इंजरी हो गई, तो पहला जो स्टेप होगा क्या होगा, एक्टिवेशन एंड रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंजरी रिलेटेड सिग्नल मॉलिक्यूल टू द सेल सोमा, जो सोमा होगा यानी कि सेल बॉडी होगी, जो सेल बॉडी होगी उसको एक सिग्नल भेजा जाएगा, जो इंज्यूर्ड सेल है, जो इंज्यूर्ड नर्व है, वहाँ से उस साइड से एक सिग्नल जाएगा, किस, रेट्रोग्रेड एंड एक्टिवेशन एंड रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंजरी रिलेटेड सिग्नल्स मॉलिक्यूल्स टू द सेल सोमा। उसके बाद में क्या होगा, रीजनरेशन एसोसिएटेड जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगी, यानी कि रीजनरेशन एसोसिएटेड जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगी, ये क्या करवाएंगी, नर्व ग्रोथ एंड इलांगेशन करवाने लगेंगी, नर्व ग्रोथ एंड इलांगेशन को एक्टिवेट कर देंगी। और जब नर्व ग्रोथ और इलांगेशन शुरू हो गया, तो नर्व ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नर्व ग्रोथ फैक्टर यानी कि NGF, नर्व ग्रोथ NGF भी आगे पढ़ाएंगे, इस पर भी 60 नोट आ सकता है। तो नर्व ग्रोथ फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट, नर्व ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेट होगा, तो ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा आएगा, यानी कि TGF बीटा, ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा आएगा, और ये क्या करेगा, डेवलपमेंट एंड प्रोलोंगेशन ऑफ ग्रोथ कोन। पहले कोन की तरह इसे बनेगा, मान लीजिए ये यहाँ से डैमेज हो गया था नीचे, तो पहले कोन की तरह ये ग्रोथ कोन बन जाएगा, ये क्या है, ग्रोथ कोन है। ठीक है, तो ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ रहा, ग्रोथ कोन, ये इसे, ये नर्व यहाँ से डैमेज था, ठीक है, तो एक ग्रोथ कोन बन जाएगा, एक ग्रोथ कोन बन जाएगा, जो कि डिस्टली इलांगेट करेगा, डिस्टली इलांगेट करेगा और पूरा नर्व बन जाएगा। ये आपका यहाँ से डैमेज था, ये साइड या डैमेज थी, यहाँ पर क्या बन गया जाएगा, ग्रोथ कोन, ग्रोथ कोन बनने के बाद में ये तुम्हारा डिस्टली बढ़ेगा और पूरा नर्व
फिर से रिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि रीजनरेशन हो जाएगा, और इंजरी क्या हो जाएगी, रिकवर्ड हो जाएगी। जो ये ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा है, इसको रिलीज करते हैं मैक्रोफेजेज और स्वान सेल। इसको कौन से रिलीज, कौन रिलीज करता है, मैक्रोफेजेज एंड स्वान सेल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हुआ। नर्व इंजरी हुई, एक्टिवेशन एंड रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट हुआ इंजरी रिलेटेड सिग्नल मालिक्यूल्स टू द सेल्सोमा, उसके बाद रीजनरेशन एसोसिएट जीन्स एक्टिवेट हो गई, नर्व ग्रोथ एंड इलॉगेशन होने लगा, नर्व ग्रोथ फैक्टर रिलीज हो गया, उसके बाद ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिलीज हुआ, कहाँ से, माइक्रोफेज और स्वान सेल से। ये क्या करवाया, डेवलपमेंट एंड प्रोलोंगेशन ऑफ ग्रोथ कोन, और ग्रोथ कोन का प्रोलोंगेशन हुआ डिस्टल डायरेक्शन में, क्या बन जाएगा, इंजरी रिकवर्ड हो जाएगी और नर्व फिर से बन जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया नर्व रीजनरेशन। अब हम नर्व ग्रोथ फैक्टर के बारे में पढ़ते हैं, नर्व ग्रोथ फैक्टर के बारे में। तो नर्व ग्रोथ फैक्टर क्या है, ये क्या है, न्यूरोट्रोफिन्स फैमिली का मेंबर है। न्यूरोट्रोफिन्स फैमिली का मेंबर है क्या, नर्व ग्रोथ फैक्टर, यानी कि एनजीएफ जो मेंबर है किसका है, न्यूरोट्रोफिन्स फैमिली का। न्यूरोट्रोफिन्स फैमिली में और चीज़ें आती हैं, जैसे कि ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, इसको आप आगे पढ़ेंगे, इसको आएगा कहीं ना कहीं, इसलिए अभी नाम अपने दिमाग में रखिएगा कि न्यूरोट्रोफिन्स फैमिली से कौन है। तो यह ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर यानी कि BDNF, और न्यूरोट्रॉफिन 3, न्यूरोट्रॉफिन 4 या 5, न्यूरोट्रॉफिन 4 या 5। तो इसके तीन एग्जाम्पल हैं, ब्रेन डेराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, BDNF, न्यूरोट्रॉफिन 3 और न्यूरोट्रॉफिन 4 या 5। तो आप नर्व ग्रोथ फैक्टर का अगर शॉर्ट नोट लिखने का आ जाए तो आप लिख सकते हैं। पहला लाइन क्या होगा, न्यूरोट्रॉफिन्स फैमिली के मेंबर हैं नर्व ग्रोथ फैक्टर्स। ये तीन प्रकार इनका लिख देना कि ब्रेन डेराइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, न्यूरोट्रॉफिन 3 और न्यूरोट्रॉफिन 4 और 5। उसके बाद में फंक्शन लिख देना इसका, कि अगर नर्व ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। देखो, जो एनजीएफ होते हैं इनका तीन तरह का फंक्शन होता है, ये नर्व में भी फंक्शन करते हैं, इंडोक्राइन फंक्शन भी होता है और इम्यून फंक्शन भी होता है, यानी कि ये तीन तरीके से काम करते हैं, नर्व फंक्शन भी करवाते हैं, इंडोक्राइन फंक्शन भी करवाते हैं और इम्यून फंक्शन भी करवाते हैं। इसीलिए इनको एक एक्सिस नाम दे दोगे ना, नर्व इंडोक्राइन इम्यून एक्सिस। तो नर्व इंडोक्राइन इम्यून फंक्शन ये कंट्रोल करते हैं कौन, एनजीएफ, नर्व ग्रोथ फैक्टर। नर्व में कौन सा फंक्शन करवाते हैं, सर्वाइवल ऑफ डीजनरेटिंग पेरिफेरल नर्व, यानी कि जो डीजनरेटिव पेरिफेरल नर्व होंगे उनके सर्वाइवल के लिए ये आवश्यक होते हैं, यानी कि रीजनरेशन में ये काम करते हैं, नर्व ग्रोथ एंड रीजनरेशन करवाते हैं, ठीक है। इंडोक्राइन फंक्शन क्या करते हैं, ये कैचाकोलोमेंस का प्रोडक्शन करवाते हैं, कैचाकोलोमेंस का प्रोडक्शन करवाते हैं, स्टेरॉइड्स प्रोडक्शन करवाते हैं और साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस करवाते हैं मेल में, वहीं पर फॉलिकल मैच्युरेशन करवाते हैं तुम्हारे फीमेल में और ओवुलेशन करवाते हैं, ठीक है। तो क्या करवाते हैं, इंडोक्राइन फंक्शन क्या है, कैचाकोलामाइन का प्रोडक्शन, स्टेरॉइड प्रोडक्शन, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉलिकल मैच्युरेशन एंड ओवुलेशन। फिर इम्यून फंक्शन देख लेते हैं। देखो, बहुत सारी सेल्स होती हैं जो सर्वाइवल डिफरेंशिएशन एंड बायोबिलिटी फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं, जैसे कि मस्ट सेल, ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। इनको क्या ये करते हैं, जो न्यूरोट्रॉफिन्स होते हैं, न्यूरोट्रॉफिन्स यानी कि नर्व ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट कर देते हैं, जो अपना काम करती हैं, यानी कि जो ये मस्ट सेल है, ग्रेनुलोसाइट है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, याद रखना, मस्ट सेल, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, इनके सर्वाइवल, डिफरेंशिएशन और बायोबिलिटी का फंक्शन करते हैं, इसीलिए ये मतलब जिंदा रहेंगी, सर्वाइव कर पाएंगी, डी डिफरेंशिएट कर पाएंगी और बायबल रहेंगी, जिससे ये मस्ट सेल अपना फंक्शन कर सके, यानी कि फैगोसाइट कर सके, ग्रेनुलोसाइट अपना काम कर सके, मोनोसाइट अपना काम कर सके, लिम्फोसाइट्स अपना काम कर सके, और मेनली ये किस में काम करती हैं, इम्यून फंक्शन में, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, नर्व ग्रोथ फैक्टर यूज इन मेनी क्लिनिकल ट्रायल्स। जो नर्व ग्रोथ फैक्टर्स है इनको दवाई के रूप में भी दिया जाता है, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ में, कॉर्नियल अल्सर में, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज में और कई सारी डिजीज हैं उसमें भी दिया जाता है। देखिए, नर्व रीजनरेशन अकर्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नॉट इन द CNS। देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व रीजनरेशन हो जाता है, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नर्व का रीजनरेशन नहीं हो पाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला चैप्टर जल्द ही आने वाला है, तो सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।